गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि है स्पोर्ट्स से संबंधित। जो लोग खास तौर से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। सेकेंड चीज़, ये वीडियो उन लोगों को भी काम आएगा जिन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं या जीके पूछा जाता है। बेसिकली एसएससी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चंस जो हैं स्पोर्ट्स को फोकस करके पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। दोस्तों, ये जो लेक्चर है हमारा, ये संबंधित है मेजर स्पोर्ट्स इवेंट से। जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं खेलों के विश्व में, उनके बारे में हम इन लेक्चर सीरीज में देखेंगे, शुरुआत करेंगे। सो आज का हमारा लेक्चर फोकस्ड होगा, वो होगा ओलंपिक्स पर। देखिए, ओलंपिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, या फिर हम कह सकते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, भारत में इसकी क्या प्रतिभागिता है और किस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, सारी चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक है ओलंपिक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, पहले जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स थे वो शुरुआत हुए 776 ईसा पूर्व यानी 776 BC में। जो ग्रीक गॉड यानी यूनानी जो देवता हैं जियस, जैसे कि हमारे यहाँ जो देवता हम जिसे मानते हैं इंद्र, तो वहाँ के जो इंद्र हैं आप ये कह सकते हैं, उनको बोलते हैं जियस। तो उनके सम्मान में ये खेल शुरू किए गए थे और इन्हें ओलंपिक्स गेम्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये ओलंपिया नाम के शहर में आयोजित हुए थे। ये तो थे एंशियंट ओलंपिक गेम्स। अगर हम बात करें मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स की, अभी जो शुरू अभी चल रहे हैं आपके सामने जो आप देखते हैं, तो ये आधुनिक जो ओलंपिक गेम्स हैं ये स्टार्ट हुए थे 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में, और ये 4 अप्रैल शुरू हुए थे और हर 4 साल में तब से ये खेले जाते हैं। जिस व्यक्ति ने ये शुरुआत की, मतलब जिस व्यक्ति ने ये इनिशिएटिव लिया कि भाई ओलंपिक्स कराने चाहिए या अलग अलग देशों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा कोई वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम है पियरे दु कुर्बतिन। तो पियरे दु कुर्बतिन जो थे भाई साहब, उन्होंने ये शुरुआत की थी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, और उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। और उन्हीं ने ही ये 1896 में गेम्स शुरू कराने से पहले 1894 में एक कमेटी बनाई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, जो जिसे आप जानते हैं आज, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लुसान स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं हम ओलंपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। जैसे कि ओलंपिक का जो मोटो है वो है सिटियस ऑडिटियस फॉर्टियस। इसका मतलब होता है स्विफ्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी तेज। स्विफ्ट मतलब होता है तेज, हायर मतलब ऊंचा, और स्ट्रॉन्गर मतलब सबसे मजबूत। सो देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे आपने ओलंपिक का अगर फ्लैग देखा हो तो वहाँ पर आपको 5 कलर रिंग्स दिखती हैं, ब्लू, देन ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। ये जो 5 रिंग्स हैं, जो आपको 5 वलय दिख रहे हैं, ये 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जो नीला कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे यूरोप को, उसके बाद जो येलो यानी पीला कलर है ये एशिया को रिप्रेजेंट करता है, काला रंग यानी कि ब्लैक जो है अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को करता है, और अमेरिका यानी कि यहाँ पर देखिए 2 महाद्वीप जो हैं हमारे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उन दोनों को एक ही रिंग से रिप्रेजेंट किया गया है और वो है रेड कलर। सो बेसिकली रेड कलर रिप्रेजेंट करता है हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक साथ। ओलंपिक के अगर हम फ्लैग यानी कि ध्वज की बात करें तो पहली बार ये उड़ाया गया था या फहराया गया था 1920 के ओलंपिक गेम्स में। देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 यानी 1896 में, लेकिन पहली बार जो ओलंपिक फ्लैग था वो होस्ट किया गया था 1920 के ओलंपिक गेम्स में बेल्जियम देश में। ठीक है, यहाँ पर एंटवर्प नाम की जगह पर जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पर ये फहराया गया था। ठीक है, और ओलंपिक सिंबल आप बता ही चुका हूँ मैं कि इसमें 5 कलर की रिंग होती हैं जो कि वाइट बैकग्राउंड पर यानी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर आपको देखने मिल सकती हैं। और जो ओलंपिक ओथ है यानी कि जो ओलंपिक खेलों में जो शपथ ली जाती है, ये भी लिखी गई थी पियरे दु कुबर्तिन द्वारा, जो कि हमारे फादर कहलाते हैं ओलंपिक गेम्स के। और ये जो शपथ है ये एक एथलीट को ही बोलता है सारे एथलीट्स की प्रतिनिधित्व करते हो, सारे जितने भी प्रतिभागी उनके प्रतिनिधित्व के रूप में कोई एक प्रतिभागी इसको दोहराता है जो खेलों की शुरुआत होते वक्त। और ओलंपिक ओथ भी पहली बार जब ली गई थी वो भी ली गई थी 1920 में, तभी शुरू हुई थी,
और वो किसने ली थी? बेल्जियम के फेंसर विक्टर बॉयन ने। दोस्तों आपने ओलंपिक मशाल के बारे में काफ़ी सुना होगा कि ओलंपिक मशाल इस देश से उस देश गई, ये लेके गया वो लेके गया, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ओलंपिक फ्लेम यानी कि जो ओलंपिक मशाल है ये पहली बार यूज़ की गई थी 1928 के एम्स्टरडेम ओलंपिक गेम्स में। एम्स्टरडेम एक शहर का नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे प्लीज़ कि एम्स्टरडेम जो शहर है वो किस देश में है। सो उसकी शुरुआत हुई तो ओलंपिक गेम्स की, ओलंपिक फ्लेम की 1928 में। और ओलंपिक सेरेमनीज़ यानी कि आपने देखा होगा कि ओलंपिक खेल शुरुआत होने से पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम टाइप का होता है, जो सेरेमनी यानी कि जो आयोजन किए जाते हैं उत्सव मनाया जाता है, इसकी शुरुआत भी 1908 ओलंपिक गेम्स में हुई थी लंदन से। उसके पहले कि ये आपकी ओलंपिक सेरेमनीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन 1908 यानी 1908 में लंदन में हुए ओलंपिक गेम्स के बाद इसकी शुरुआत हुई। अब देखिए इसके बारे में एक और कुछ महत्वपूर्ण बातें या फिर आपके दिलचस्प बातें अगर हम देखें, तो ये जो आपने देखा होगा कि जब भी ओलंपिक गेम शुरू होते हैं तो उसके पहले आपने देखा होगा कुछ परेड टाइप की होती है, तो जो परेड होती है उसमें हर देश की टीम एक के बाद एक पास होती है, अभिनंदन करती है लोगों का। तो उसमें सबसे आगे जो टीम चलती है वो है ग्रीक की टीम, ये रिप्रेजेंट करती है कि भाई सबसे पहले ग्रीस ने ये शुरू करवाए थे, यहाँ पे शुरू हुए थे, तो ग्रीक की टीम हमेशा प्रोसेशन में सबसे आखिरी चलती है। उसके बाद जितने भी देश पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर किस देश का? भाई जैसे मान लीजिए स्पेन में अगर हो रहा है तो स्पेन में स्पेनिश के हिसाब से जो अल्फाबेटिकल होगा उसके अकॉर्डिंगली देश के नाम डिसाइड होंगे। अगर इंडिया में होता है तो इंडिया के अकॉर्डिंगली, इंडिया की लैंग्वेज के हिसाब से, अगर किसी देश में जहाँ की वो स्थान मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो बनता है उसमें सारे देश एक के बाद एक चलते हैं। और लास्ट टीम जो होगी हमेशा वो कौन होगी? जो होस्ट टीम है यानी कि जहाँ पर ओलंपिक्स हो रहे हैं, जिस देश में ओलंपिक हो रहे हैं उस देश की टीम सबसे पीछे चलेगी। अब कुछ वर्ष आपको मैंने बताया था कि हर चार साल में होते रहते हैं, लेकिन कुछ वर्ष ऐसे थे जब ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, जैसे कि 1916, 1940 और 1944। 1916 में पहले विश्व युद्ध के कारण और 1940 और 44 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया। अब इसमें एक और फैक्ट है इम्पॉर्टेंट कि भाई महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना कब शुरू किया है, तो 1896 में जो पहला हुआ था ओलंपिक उसमें केवल पुरुषों ने भाग लिया था, जबकि उसके अगले वाले यानी कि सेकंड ओलंपिक गेम्स जो थे 1900 में वहाँ से महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, तो हमारा पेरिस ओलंपिक्स और 1900 का वो ईयर था। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें बात आती है कि मैस्कॉट, आपने देखा होगा कि हर जो बड़े आयोजन होते हैं खेल के आयोजन उसमें एक शुभंकर होता है, एक कोई एनिमल का फिगर उससे एसोसिएट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो इसके लिए खुशहाली लेके आएगा और सारा का सारा आयोजन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए उसके लिए एक मैस्कॉट असाइन किया जाता है हर ओलंपिक खेलों के लिए, हर बड़े आयोजन के लिए। तो मैस्कॉट पहली बार यूज़ किया गया था 1968 के ओलंपिक्स में मैक्सिको सिटी में, यानी कि मैक्सिको में जब ये आयोजित हुए थे तो 1968 में हुए मैक्सिको ओलंपिक्स में पहली बार मैस्कॉट का यूज़ किया गया था। और महत्वपूर्ण बात है, वह देश जो सबसे अधिक मेडल जीते पहले ओलंपिक गेम्स में, यानी कि 1996 में हुए जो पहले ओलंपिक्स थे वहाँ पर सबसे अधिक मेडल्स हैं, सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते थे? वो था हमारा ग्रीस, 47 मेडल्स उसने टोटल जीते थे। अब कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन दो बार हुआ है, वो है एथेंस 1896 और 2004, पेरिस 1900 और 1924, और लॉस एंजलिस जो USA में है 1932 एंड 1984। लंदन एकमात्र ऐसा शहर है जिसने तीन बार ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया है, 1908, 1948 एंड 2012। अगर हम देश की बात करें किस देश ने सबसे अधिक बार ओलंपिक्स का आयोजन हुआ है, तो वो है अमेरिका, USA, बिकॉज लॉस एंजलिस उसका ही एक शहर जहाँ पर दो बार आयोजित हुए, देन सेंट लुई में 1904 में और एटलांटा में 1996 में। सो ऑल इन ऑल USA में अभी तक चार बार ओलंपिक्स हुए हैं, जबकि UK यानी कि ब्रिटेन में तीन बार, जो उसकी राजधानी लंदन में आयोजित हुए। कई बार शायद आपके जहन में भी सवाल आता होगा कि भाई ओलंपिक्स जो स्पोर्ट इवेंट है इसमें स्पोर्ट्स डिसाइड कैसे होते हैं, कौन से स्पोर्ट को इसमें इंक्लूड करना है या कौन से स्पोर्ट इंक्लूड नहीं करना है, ये कैसे डिसाइड होता है? बहुत लोग कहते हैं क्रिकेट भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत सारी डिबेट इस पर चलती रहती है। बट क्राइटेरिया क्या है कि भाई स्पोर्ट्स को ऐड करना है या नहीं करना है, वो कैसे डिसाइड होता है? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं ओलंपिक कमेटी द्वारा, देख लेते हैं क्या है वो। देखिए किसी भी खेल को ओलंपिक खेल बनाने के लिए
ये कंडीशन होती है कि वो स्पोर्ट कम से कम 75 देशों में और 4 महाद्वीपों में पुरुषों द्वारा खेला जाना चाहिए। यानी मैन अगर उसे खेल रहे हैं तो कम से कम 75 देशों में खेल रहे हों और कम से कम 4 महाद्वीपों पर खेल रहे हों, और वुमेन के लिए वही करना है तो कम से कम 40 देश और कम से कम 3 महाद्वीप। ठीक है, ये क्राइटेरिया है जिसके द्वारा डिसाइड होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट ओलंपिक्स में ऐड होगा या नहीं होगा। तो मेल्स के लिए 75 कंट्रीज एंड 4 कॉन्टिनेंट्स, एंड वुमेन के लिए 40 कंट्रीज एंड कम से कम 3 कॉन्टिनेंट। इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट ये कि पिछले ओलंपिक्स आपको पता ही होंगे कहाँ पर हुए थे, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो नाम के स्थान पर 2016 में। हालांकि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसकी कैपिटल क्या है। और अगले जो ओलंपिक्स होंगे वो हमारे आयोजित होंगे जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 में। इसके बाद बात करते हैं हम इंडियन मेडल विनर्स एट ओलंपिक्स। देखिए, जो व्यक्ति भारत को रिप्रेजेंट करने ओलंपिक्स में गए हैं और जिन्होंने कोई मेडल जीते हैं उनके बारे में ये लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, कौन सा मेडल उन्होंने जीता है, किस इवेंट में जीता है, किस वर्ष में, और वो ओलंपिक पर्टिकुलर कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो सारी ये लिस्ट जो है मैंने आपकी अपलोड कर दी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं ध्यान से। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई 2-3 लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसको पॉज करके आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को जब भी आपको लगे कि लिस्ट देखना है तो आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। सी, सबसे पहले व्यक्ति जो थे नॉर्मन पिचार्ड थे, जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे पहले 1900 के ओलंपिक्स में, एक 200 मीटर रेस में और एक 200 मीटर हर्डल रेस में, यानी कि बाधा दौड़ में और 200 मीटर दौड़ में, दोनों में ये सिल्वर मेडल जीते थे और ये आयोजित हुए थे पेरिस में। लेकिन हालांकि काफ़ी विवादास्पद है इनका, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थे और ब्रिटिश ये दावा करते हैं कि ये जो नॉर्मन पिचार्ड थे ये ब्रिटिश नागरिक थे और ये भारत के मेडल नहीं है, ये ब्रिटिश के खाते में ये मेडल जाएंगे, बट ये विवादास्पद है। लेकिन हम इसे एज ए इंडियन, क्योंकि ये भारत में रहते थे और हमें भारतीय मानते थे, इसलिए हमने इंडिया के इसमें स्टडी करते हैं। फिर भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो पहले भारतीय आज़ादी के बाद जो पहला मेडल लेके आए थे वो थे हमारे केडी जाधव जी, जो कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे कुश्ती में, यानी कि रेसलिंग में, 1952 के हेलसिंकी की ओलंपिक्स में। तो इनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय जो आज़ादी के बाद ये मेडल जीत कर आए थे उनके बारे में है ये क्वेश्चन। बाकी आप इनके नाम पढ़ सकते हैं, लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी, राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, विजेंद्र कुमार, और बाकी आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने मिल सकते हैं। उसके बाद हैं आपके विजय कुमार, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और मैरी कॉम और नेहवाल, साइना नेहवाल, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं आप जानते होंगे, एंड गगन नारंग, ये भी शूटिंग संबंधित हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले ओलंपिक्स यानी कि 2016 ओलंपिक्स में 2 व्यक्ति भारत के लिए मेडल लेके आए थे। एक थी पी वी सिंधु, जो कि सिल्वर मेडल लेके आई थी बैडमिंटन में 2016 में, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुए थे वहाँ पर, और सेकंड व्यक्ति जो थी वो थी साक्षी मलिक। ये इसलिए याद रखने पड़ेंगे बिकॉज आपको लास्ट ओलंपिक में या पिछले जो विजेता हैं वो हैं। सबसे अधिक मेडल्स अगर पूछा है किस ओलंपिक में हमने जीते थे तो वो थे 2012 के ओलंपिक्स में, आप देख सकते हैं लिस्ट में सामने 6 मेडल्स आपको दिख रहे होंगे। तो 2012 हमारे लिए काफ़ी लकी साबित हुआ था, हम 6 मेडल ओलंपिक से लेकर आए थे। बट अगर लास्ट ओलंपिक की बात करें तो हमारे पास 2 मेडल्स आए थे, एक पी वी सिंधु द्वारा बैडमिंटन में और एक साक्षी मलिक रेसलिंग में लेके आई थी। एक और लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हॉकी में काफ़ी सारे मेडल्स हम लोग लेके आए ओलंपिक्स में। तो जितने भी मेडल्स हम लेके आए हैं ओलंपिक्स में, जैसी लिस्ट मैंने लास्ट स्क्रीन पर आपको दिखाई थी वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इंडियन हॉकी मेडल्स एट ओलंपिक्स, किस ईयर में कहाँ पर आयोजित हुए, कौन सा मेडल जीता हमने, कैप्टन कौन था इंडियन हॉकी टीम का, और रिमार्क्स जैसे कि सिल्वर मेडल कौन जीता है, उसकी सारी लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो पहला जो हम जीत के लाए थे वो था 1928 में एम्स्टर्डम में गोल्ड, उस टाइम जयपाल सिंह जीते हमारे कप्तान, और नीदरलैंड ने सिल्वर जीता था। और जो लास्ट हम लेके आए हैं मेडल ओलंपिक्स में वो था 1980, तो लगभग 38 साल हो चुके हैं। और इनफैक्ट अगला जो ओलंपिक होगा वो 40 साल में, अगर हम जीते हो ओलंपिक में कोई मेडल तो 40 साल के अंतराल के बाद जीतेंगे। तो पिछला जो 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक्स था वहाँ पर हमने गोल्ड जीता था, और कैप्टन थे हमारे वासुदेव भास्करन, जिनमें हमने स्पेन को फाइनल में हराया था, तो उनको सिल्वर यानी रजत पदक से संतुष्टि करनी पड़ी थी। तो पिछले 38 साल हो चुके हैं, 39 साल हो चुके हैं इनफैक्ट, तो उसके दौरान हमने कोई मेडल, इनफैक्ट ब्रॉन्ज सिल्वर या गोल्ड कोई भी मेडल हमने हॉकी में नहीं जीता है। तो लास्ट आपको याद रखना है कि 1980 में हमने जीता था, ठीक है।
बात करते हैं हम लास्ट ओलंपिक्स में इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई 2016 के ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। देखिए कुल जो खिलाड़ी भारत की ओर से गए थे उनकी संख्या थी 123 प्लेयर, जो कि अभी तक का ओलंपिक में भारत द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा दल था 123 खिलाड़ियों का। इसमें सबसे युवा खिलाड़ी थी जिस्ना मैथ्यू 17 साल की, जो कि एथलेटिक्स में परफॉर्म करती हैं। और सबसे एजड प्लेयर या ओल्डेस्ट प्लेयर कह सकते हैं वो थे हमारे लिएंडर पेस, जो कि 43 ईयर्स के थे और जो टेनिस खेलते हैं। अब भारत के ध्वजवाहकों की बात करें, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया इस बार कि भारत के ध्वजवाहक कौन थे। देखिए दो व्यक्ति ध्वज लेते हैं भारत का, एक जो ओपनिंग सेरेमनी यानी कि जो शुभारंभ होता है हमारे ओलंपिक्स का, तो उस समय ध्वजवाहक थे हमारे अभिनव बिंद्रा जी जो कि शूटिंग में है, और जो क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि जो समापन समारोह होता है उसमें जो ध्वजवाहक थी वो थी साक्षी मलिक, जिन्होंने कुश्ती में एक मेडल भी जीता था। कौन सा मेडल था वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिकॉज लास्ट स्लाइड में बताया था मैंने आपको। एंड पीवी सिंधु ने भी इसमें एक मेडल जीता है जो कि बैडमिंटन में सिल्वर है, और शी बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर, मतलब भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बनी है जो एक ओलंपिक मेडल जीत कर लाई हैं। और साक्षी मलिक भी साथ ही पहली फीमेल इंडियन रेसलर यानी पहली महिला पहलवान बनी है भारतीय जो कि कोई ओलंपिक मेडल जीत कर देश के लिए लाई हैं। आगे बात करें हम एक और व्यक्ति की जिनका नाम है दीपा कर्माकर, काफ़ी न्यूज़ में इनका नाम रहा था, शायद आपने सुना भी हो। ये भारत की पहली फीमेल जिमनास्ट थी जो कि ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने गई, और जहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट से एक मेडल खो दिया और ये चौथे नंबर पर आई। देखिए शुरू के तीन खिलाड़ियों को मेडल मिलते हैं, आपको पता होगा गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये फोर्थ प्लेस पर आई थी। और सबसे कठिन जो जिमनास्टिक में जो इनका माना जाता है वो प्रोदोनोवा वॉल्ट, उसका इन्हें सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, मतलब जो सबसे कठिन स्टेप होती है इस पर्टिकुलर जिमनास्टिक में जो ये खेल खेलती हैं, वहाँ पर प्रोदोनोवा वॉल्ट नाम का एक काफ़ी टफ स्टेप होता है वो उसने सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा भी किया था। हालांकि चौथे नंबर पर ही, लेकिन काफ़ी इन्हें फेम मिला उसके बाद से। इसी ओलंपिक में भारत के ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं एन रामचंद्रन, उन्हें भी ओलंपिक अवार्ड मिला है उनके ओलंपिक्स में योगदान के लिए, और ये फोर्थ इंडियन है जिन्हें अवार्ड दिया गया है। अन्य तीन कौन है, उनके नाम है मूलचंद चौहान, इंदिरा गांधी और जसदेव सिंह। इस बार के ओलंपिक्स की बात करें हम तो भारतीय हॉकी टीम किस स्थान पर रही, तो वो थी 8वें स्थान पर। ठीक है, रियो 2016 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करते हैं हम। ये कुल मिला के 31वां ओलंपिक खेल था, और पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में हुआ। इसके पहले अमेरिकी महाद्वीप में तो हुए थे लेकिन नॉर्थ अमेरिका में हुए थे, साउथ अमेरिका में नहीं हुए थे, तो पहली बार साउथ अमेरिका की महाद्वीप में ये ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। इसके मैस्कॉट क्या थे, एक था विंसियस जो कि मिक्स था सारे एनिमल्स ब्राज़ील में जो पाए जाते हैं उनका, और एक था टॉम जो कि ब्राज़ील में पाए जाने वाले सभी पौधों का एक मिश्रण था। स्लोगन क्या था, अ न्यू वर्ल्ड, इसका जो नारा था वो था एक नया विश्व या एक नई दुनिया, अ न्यू वर्ल्ड। कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 206 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 9 एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के झंडे के तले, यानी कि उनके ध्वज तले पार्टिसिपेट किया था, और इन्हें इंडिपेंडेंट एथलीट्स यानी कि स्वतंत्र खिलाड़ियों का दर्जा दिया गया था। 2 नए खेल भी इस बार ऐड किए गए थे, उनका नाम था रग्बी सेवन्स एंड गोल्फ। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है क्योंकि 2 नए खेल इस बार आयोजित ऐड किए गए हैं, तो कौन से हैं एग्जाम में पूछा भी गया और उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा। उनके नाम है रग्बी सेवन और गोल्फ। माइकल फिलिप्स, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये सबसे सक्सेसफुल एथलीट बन गए हैं आज तक के ओलंपिक के इतिहास के। इन्होंने इस बार भी 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता तैराकी में, और ओलंपिक्स हिस्ट्री के टोटल आज तक ये 23 गोल्ड जीत चुके हैं, और कुल इनकी मेडल संख्या हो चुकी है 28 पदक। देखिए 28 पदक ये व्यक्ति अकेला जीत चुका है, सो इट्स अ बिग थिंग। और इस बार भी उन्होंने 5 गोल्ड और 6 एक सिल्वर सहित कुल 6 मेडल जीते थे। काओरी ईको जो जापान की हैं, वो पहली फीमेल प्लेयर बनी हैं जिन्होंने 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार 4 ओलंपिक्स में गोल्ड जीता रेसलिंग में, यानी कि 4 19 आप लगा सकते हैं, तो पिछले 4 बार से, मतलब 2004, 2008, 2012 और 2016 लगातार 4 बार इन्होंने रेसलिंग का गोल्ड मेडल जीता है। इस बार अगर हम ओलंपिक 2016 की बात करें, सबसे युवा खिलाड़ी जो थी वो थी गौरिका सिंह, 13 वर्ष की, तैराकी में, जो नेपाल को रिप्रेजेंट कर रही थी, और सबसे
ओल्ड प्लेयर यानी सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी थी वो थी जूली ब्रॉगम, 62 इयर्स की थी। और ये हॉर्स राइडिंग देखिए, ये 62 इयर्स इट्स अ बिग थिंग, हमारे 60 साल रिटायरमेंट एज हो जाती है, उसके बाद देखिए आप जज्बा देखिए ये व्यक्ति का, 62 इयर्स की में इन्होंने हॉर्स राइडिंग ऐसा कठिन खेल चुना और उसको रिप्रेजेंट भी किया अपने देश को, न्यूजीलैंड की ये थी। सबसे बड़ा जो दल आया था वो था यूएसए का, यानी 567 खिलाड़ी वहाँ से आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और सबसे छोटा जो दल था वो था तुवालू का, उससे एक खिलाड़ी आया था जो कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारे वीडियो को हम विराम देते हैं। ओलंपिक्स के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी मैंने उसे सारा कवर करने की कोशिश की, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ओलंपिक्स में इससे बाहर कोई सवाल आपके एग्ज़ाम में जाएगा। अगले वीडियो में हम और ऐसे ही स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में आपको बताएंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें एंड हैप्पी स्टडिंग। गुड बाय फ्रॉम माई साइड।